जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास ऑनर 6X का फोन है। इसमें क्या बंद हुआ, मेरे जो ये पीछे का अपना कैमरा है, इसका स्क्रीन टूट गई। मैंने अमेजन से मंगाया, ये प्रोडक्ट पड़ा मुझे 430 रुपीज़ का। इसमें देखिए क्या क्या दिया है, अनबॉक्सिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है, तो ये आपको इसका ये बहुत ही अच्छी तरह से पैक कर रखा है अंदर पॉलिथीन में। ये है इसका ग्लास कवर। अगर मैं ऐसे मिला के देखूँ तो आप देखेंगे कि ये पूरे कलर टोन इसकी अलग अलग टाइप की आ रही है, पूरा विजुअल नहीं है, लाइट ग्रे है, ये डार्क ग्रे है। अब हम इसे देखेंगे इसे रिप्लेस कैसे करना है। रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले तो आप कोई शार्प चीज़ ले लें, जैसे कि मैंने एक ये कटर ले लिया। इसको हल्के हल्के इसके ऊपर चोट मारेंगे। अब जैसे देख रहे हैं आप, ये इस चीप ऑफ होते होते निकलते जाएगा। साइड में रखते हैं, फिर ये प्रोसेस धीरे धीरे करेंगे कि ये ध्यान रखना कैमरे के लेंस को ना डैमेज करेंगे। मतलब बिल्कुल केयरफुली करना है, ये ज़्यादा जल्दी नहीं करना इसमें, नहीं तो ये आपके जो बॉडी है इसको भी स्क्रैच कर सकता है। इसमें एक फोकस सेंसर भी है शायद, ये ड्यूअल कैमरा है इसलिए लेंस इसका बहुत बड़ा है। ये निकल गया इसका। इसके बाद धीरे धीरे से चिप ऑफ करते जाएंगे आराम से आराम से। वाह बहुत बढ़िया, देख रहे हैं थोड़े थोड़े निकलने लग गया, अब स्मूथ फिनिशिंग से दिखने लग गई है। इसके बाद बिल्कुल केयरफुली केयरफुली से करते गए। अब देख रहे हैं जैसा कि आप, ये ऑलमोस्ट निकल चुका है, थोड़ा सा रह गया है। सके देख रहे हैं ये पूरा आगे बाहर। अब इसकी फिनिशिंग है जो बिल्कुल प्रॉपर हो गई है। सबसे पहले कोई कॉटन कपड़ा लेंगे हम इसे और इसे क्लीन कर लेंगे। अब इसे पहले साइड में रख देते हैं। फोन का गया है, इसके बाद एक बार और इस पर कॉटन के कपड़े से, कोई भी कॉटन कपड़े ले लो या रुई लेके इसे हर कल का क्लीन कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने एक बार ही अगर चिपका दिया इसके ऊपर कवर, इसके बाद अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी डस्ट रहेगी तो आपके कैमरे में प्रॉब्लम करेगी बाद में। अब इसके बाद इसको यहाँ से निकाल लेंगे। इसमें जैसे देख रहे हैं आप, ऑलरेडी इसमें ग्लू लगा रखा है इन्होंने, तो उसमें आपको कोई ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आराम से टीयर ऑफ करके, और कौन सी पोजीशन इसकी ऊपर रहनी है, कौन सी नीचे रखनी है, ये ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने एक बार ये चिपका दिया तो फिर दोबारा ये वैसे ही तोड़ के ही निकालना पड़ेगा, तो प्लीज़ इसे ध्यान रखिए। तो इसे मैं क्या करता हूँ, पूरा ही निकाल लेता हूँ बाहर। वैसे भी देख रहे इसमें एरो मार्क बन रखा है, एरो मार्क इंडिकेट कर रहा है कि दिस साइड अप। अब इसे आराम से लेके स्लॉट में नीचे से बिठाते हुए और ऊपर करके सिंपली प्रेस कीजिए इसे। जैसा आवाज़ सुन रहे हैं इसकी, ये लॉक टाइप में है और ये पूरा हमने फिट कर दिया। अब मैं आपको इसी कैमरे की क्लैरिटी चेक करवा देता हूँ एक बार। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और फ्रंट कैमरा का पता एक मिनट की है, कैमरे क्लैरिटी देख रहे हैं, कैमरा वर्किंग बहुत वेरी फाइन।
थोड़े स्क्रैचेस लगे हुए इसमें, स्क्रैचेस नहीं कुछ मार के पर मैं दिखा देता हूँ आपको करके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कैमरा इज वर्किंग वेरी परफेक्टली। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब।